बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर की ब्रेकिंग और सिलेक्टिव न्यूज़ में आज आप सुनेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें, शुक्रिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवा ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अगर वो हमें दीवार से लगाने की कोशिश करेगा तो अपनी कीमती दोस्त से महरूम हो जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में नए अमरीकी सदर जो बाइडन पर कड़ी तनकीद की है। सरकारी टीवी चैनल TRT को इंटरव्यू देते हुए उर्दवान अमरीकी सदर जो बाइडन के हालिया बयान पर कड़ी तनकीद की, जिसमें उन्होंने आलमी लड़ाई में तुर्की की सल्तनत उस्मानिया पर आर्मनाई बशिंदों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया था। उर्दवान ने इस इल्ज़ाम की शदीद मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया और जो बाइडन को ख़बरदार किया कि तुर्की से तल्लुकात मज़ीद ख़राब करने का नतीजा एक कीमती दोस्त से महरूमी की शक्ल में निकल सकता है। दोस्तों, याद रहे कि बेल्जियम के दारुल हुकूमत में 14 जून को नेटो सरबराही इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की अव्वलीन मुलाकात भी मतवक्को है। फ्यूचर पार्टी के सरबराह याइल लिबैद ने कहा है कि इसराइल में कायम होने वाली नई हुकूमत मखलूत होगी। उन्होंने दावा किया कि मखलूत हुकूमत तमाम जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देगी। उन्होंने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के हालिया बयान को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ भी करार दिया। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ अपने सियासी मुखालफीन पर मुल्क के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्म सियासी जमातों के पास खाली और बेमायनी नारों के सिवा कुछ नहीं है। उनका कहना था कि ये नारे दाएं बाजू के वोटरों के वोट चोरी करने की कोशिश है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि बाएं बाजू की सियासी जमातों की हुकूमत इसराइली रियासत के मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक होगी। नेतन्याहू का कहना था कि बारी के निज़ाम हुकूमत के तहत हुकूमत साजी दुरुस्त नहीं है। इसराइल में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 4 मरतबा इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन कोई भी जमात तनहा ईवान में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बार बार इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। इसराइली आइन और कानून के तहत अगर कोई एक जमात ईवान में अक्सरियत हासिल ना कर सके और मखलूत हुकूमत भी तश्कील ना पाए तो फिर दोबारा इंतखाबात कराना होते हैं। इसराइल के मौजूदा सदर ने आइन के मुताबिक नेतन्याहू को हुकूमत साजी का मौका फराहम किया, लेकिन वो नाकाम रहे, जिसके बाद उनके मुखालिफ को हुकूमत बनाने की दावत दी जा चुकी है। लेकिन अगर वो भी नाकाम हुए तो इसराइल में 5वीं मरतबा इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के मुखालिफ अगर हुकूमत साजी में कामयाब हो गए तो मौजूदा वजीर आजम के 12 साल इकतदार का सूरज गुरूब हो जाएगा। हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान खुली अदालत में मामला तय पा गए हैं और हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी तौहीन अदालत केस की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करवा दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का हाई कोर्ट ने तबादला कर दिया। जज को जिस अंदाज में वक्त से पहले हटाया गया, इस पर हुकूमत को एतराज़ है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि एहतसाब अदालत को नया जज लगाने में क्या मसला है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नया जज तैनात करने में 3 से 4 माह लगते हैं। शायद शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि उनका केस जल्दी निमट सके। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाप्त हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं और इंसाफ फराहम करने के लिए काम करते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि शौकत अजीज़ सदीकी ने अदलिया के हवाले से बहुत मनफी तकरीर की, जिस अदलिया को बुरा कहा अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है कि अपने खिलाफ केसेस की वजह से शौकत अजीज़ सदीकी परेशान हों।
अदलिया ने शौकत अजीज सदीकी के हकूक का तहफ्फुज़ किया था। जवाब में शौकत अजीज सदीकी ने अदलिया के साथ जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। बरतानिया में एक रेस्टोरेंट ने तमाम हजरात को चैलेंज किया है कि वो उसका दो हैकल बर्गर एक घंटे में खाकर दिखाएं तो उसे बिल नहीं लिया जाएगा, लेकिन वाजह रहे कि इस बर्गर का वजन लगभग 12 किलोग्राम से जायद है जिसमें 30,000 हरारे यानी कैलोरीज मौजूद हैं। दोस्तों, एक घंटे में कोई भी ये बर्गर खत्म नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद 56 बर्गरों के बराबर है जिसमें 24 पाउंड गोश्त और पनीर की बड़ी मिकदार शामिल की गई है। लेकिन बर्गर बनाने वालों का कहना है कि बहुत से अफराद की जानिब से इस बर्गर को एक घंटे में चट कर जाने की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। यूरोपीय यूनियन में 7 लाख से ज्यादा बेघर अफराद हैं जो 2010 की निस्बत बेघर अफराद में 70% इजाफा है। यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय पार्लियामेंट से 2030 तक यूरोपीय यूनियन में बेघर अफराद के मसाइल दूर करने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि बेघर होना शदीद गुर्बत के जुमरे में आता है जबकि इंसान का बुनियादी हक उसके सर पर छत का होना जरूरी है। सऊदी नौजवान ने वेबसाइट प्रोग्रामिंग में खामियों का पता लगाने का हुनर सीखकर 1 लाख रियाल कमा लिए। सऊदी नौजवान शदीद नवाफ अल मतीरी ने अपना इंदराज करा के वेबसाइट प्रोग्रामिंग में 50 खामियों की निशानदेही की है। दुनिया भर में कोरोना ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं लेकिन दूसरी जानिब उसे भगाने के टोटके भी जारी हैं। मसलन कंबोडिया के एक देहात में लोगों ने जानलेवा कोरोना को दूर रखने के लिए घर के पार घास वगैरह से बने पुतले लगाने शुरू कर दिए हैं। एक गांव में एक चांद नामी देहाती ने अपने घर के बाहर तंग मूंग नस्क किया है और ये फसलों पर लगाए जाने वाले धोखों के लिए इस्तेमाल होता है। कंबोडिया में बलाओं और बीमारियों को भगाने के लिए भी इंसानी पुतले एक सदी से इस्तेमाल हो रहे हैं और लोग उन्हें अपने घर के दरवाजे पर रखते हैं। ताहम इस गांव के लोगों ने कोरोना को रोकने के लिए कोई मास्क नहीं लगाया और ना ही सामाजिक फासला इख्तियार करने पर अमल हो रहा है। उनका ख्याल है कि इस तरह कोरोना उनके घर में दाखिल नहीं होगा और वो महफूज रहेंगे। इन पुतलों में एक मर्द है और दूसरी औरत और ये मिलकर उनकी हिफाजत करेंगे। वहां के लोग समझते हैं कि अब वो जहनी सुकून में हैं और मुतमइन भी। कंबोडिया एक छोटा सा मुल्क है जहां अब तक कोरोना के 307 केस रजिस्टर हुए हैं लेकिन ताहाल किसी हलाकत की इतला नहीं मिली है। बांस, चावल की घास और लकड़ी वगैरह से ये पुतले बनाए गए हैं जबकि कुछ पुतलों को हेलमेट पहनाकर डंडे भी थमाए गए हैं ताकि वो कोरोना को मार सकें। निजाम शमसी से दूर जमीन जैसे किसी और सैयारे की तलाश में साइंसदानों ने अब तक का सबसे मजबूत उम्मीदवार सैयारा दरियाफ्त कर लिया है जो अपनी जिसामत और खूबियों में बिल्कुल हमारी जमीन जैसा होने के अलावा अपने सितारे से ठीक इतने फासले पर गर्दिश कर रहा है कि जो वहां जिंदगी की मौजूदगी के लिए जरूरी है। मियाँ बीवी सिर्फ आदत और मिजाज ही नहीं बल्कि सेहत के हवाले से भी एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। मैरीलैंड के तिबी माहिरीन का कहना है कि मियाँ बीवी की आदतें और शक्लो सूरत एक जैसी हो या ना हो इनमें दिल की सेहत एक जैसी जरूर हो जाती है। ये स्टडी अमेरिका में 5400 जोड़ों पर की गई। उन तमाम जोड़ों की उम्रें 39 से 55 साल के दरमियान थी यानी वो उधेड़ उम्री की दहलीज पर कदम रख चुके थे। दिल की सेहत जांचने के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुतय्यन करदा कुछ पहलुओं को बुनियाद बनाया गया जिसमें जिस्मानी सरगर्मी, सेहत पक्ष गीजा, मजमुई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, सुबह नाश्ते से पहले की ब्लड शुगर और बॉडी मास इंडेक्स, वजन और कद की मुनासबत से जिसमें चर्बी की मकदार शामिल हैं। इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जहां ये साबित हुआ कि जोड़ों की दिल की सेहत एक जैसी होती है वहीं ये भी मालूम हुआ है कि अमेरिका में 80% जोड़ों के दिल अच्छी हालत में नहीं हैं। इस तहकीक की निगरान डॉक्टर सामिया मूरा का कहना है कि इस उम्र में दिल की खराब सेहत तशवीशनाक है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मजमुई सेहत वैसे ही खराबतर होती जाती है।
कोरोना की वबा और उसके नतीजे में चाइना की मुआशी हिकमत अमली उसे अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने में मुआविन साबित होगी। एक बरतानवी थिंक टैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 2028 तक इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इससे पहले यह अंदाज़ा 2033 का था। बरतानवी थिंक टैंक द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से जारी करदा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हमारी तवक्को है कि अमेरिका का आलमी जीडीपी में हिस्सा 2021 के बाद से कम होता जाएगा और नतीजतन इस मुल्क की जगह चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हमारी तवक्को है कि ऐसा 2028 में हो जाएगा। रिपोर्ट में चाइना की वबा से महारत के साथ निमटने की तारीफ की गई है, जहां इंतहाई आगाज में ही लागू किया गया लॉकडाउन कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद को काबू में रखने में मुआविन रहा था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अमेरिका भी वबा के खात्मे के बाद मुआशी एतबार से बहुत बेहतरी आएगी, तहम उसके बाद उसकी मईशत में नमू की शरह सुस्त होकर 1.9% से 1.6% तक महदूद हो जाएगी। रिपोर्ट में जापान के बारे में यही अंदाज़ा लगाया गया है कि 2030 की दहाई के शुरू तक बदस्तूर दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत रहेगा, जिसके बाद भारत ये जगह ले सकता है, जबकि जर्मनी जो इस वक्त चौथी सबसे बड़ी मईशत है वो पांचवीं पोजीशन पर चला जाएगा। भारत इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी मईशत है, जबकि दोस्तों गुज़श्ता बरस के अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 40वीं बड़ी मईशत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।